गुड मॉर्निंग क्लास, मैं आकांक्षा आपकी हिंदी अध्यापिका। आज मैं आपको आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक रंगोली कक्षा 2 का पाठ 6 दिल्ली की शान लाल किला पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ के माध्यम से आपको लाल किले के बारे में बताया गया है, तो मैं आपको आज लाल किले की यात्रा पे ले चलती हूँ। चलिए देखने चलते हैं लाल किला। दिल्ली की शान लाल किला, 13 हरि निकुंज मथुरा, 12 अक्टूबर 2017। प्रिय अमन, सप्रेम नमस्ते। बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला। मैं भी तुम्हें पत्र नहीं लिख सका क्योंकि मैं अपने मामा जी के पास दिल्ली गया हुआ था। दिल्ली में इस बार मामा जी हम सबको लाल किला दिखाने ले गए। लाल किला बहुत ही बड़ा है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। इसे बनाने में 10 साल लग गए थे। किला बनने पर चीन से रेशम और टर्की से मखमल लाकर इसकी सजावट की गई। इसके 5 मुख्य दरवाजे हैं, जिनमें से अब केवल 2 ही लोगों के लिए खुले हुए हैं। एक लाहौर गेट और दूसरा दिल्ली गेट। मामा जी ने बताया कि यह किला यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। लाहौर गेट इतना भारी भरकम है कि हाथियों की मदद से ही इसे बंद किया जा सकता था। लाहौर गेट से अंदर जाते ही चट्टा चौक है, जिसे मीना बाजार भी कहते हैं। कुछ खास दिनों में यह बाजार रात को लगता था, जिसमें केवल महिलाएं ही जा सकती थीं। रंग बिरंगी चूड़ियां, पुंदने, जेवर और तरह तरह की नक्काशीदार चीजों से यह बाजार जगमगा उठता था। चट्टा चौक के बाद नौबत खाना आता है, जहां संगीतकारों की महफिल सजती थी। इस दरवाजे को पार करने पर एक खुला मैदान है, जो दीवाने आम कहलाता था। यहां बादशाह आम लोगों की शिकायतों को सुनते थे। खास मेहमानों और मंत्रियों से भी यहीं पर मुलाकात करते थे। दीवाने खास में बादशाह के बैठने के लिए एक सिंहासन था, जो मोर की आकृति में बना था। उसमें कई बहुमूल्य रत्न जड़े थे, जिनमें कोहिनूर हीरा भी एक था। तुमने सुना ही होगा कि कोहिनूर हीरे को नादिरशाह अपने साथ ले गया था। हमने लाल किले में एक संग्रहालय भी देखा। पहले यह मुमताज महल कहलाता था। बेगमों के लिए एक और महल था, रंग महल। इसकी छतों पर नक्काशी की हुई है। किनारों पर संगमरमर के सरोवर बने हुए हैं, जो महल को ठंडा रखते थे। क्या तुम जानते हो अमन, कि लाल किले का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह लाल पत्थरों से बना हुआ है। यही वह जगह है जहां से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के आजाद होने का संदेश सभी भारतवासियों को दिया था। यह परंपरा आज तक चली आ रही है। मुझे आशा है कि तुम भी कभी अपने परिवार के साथ लाल किला देखने अवश्य जाओगे। अपने माता पिता को मेरा सादर प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र निखिल। शब्दार्थ, सजावट, शोभा, नक्काशीदार, जिस पर नक्काशी की गई हो, डिजाइन बनाया गया हो, इंग्लिश में बोल सकते हैं जो डिजाइन होता है। सिंहासन, राजा की कुर्सी। संग्रहालय, जहां वस्तुओं को इकट्ठा किया जाए या फिर जहाँ विशेष प्रकार की वस्तुओं का संग्रह किया गया हो, मतलब उन्हें रखा गया हो। म्यूजियम, इसे म्यूजियम भी बोल सकते हैं हम। फिर है महिला, महिला है औरत। महफिल, सभा। रत्न, कीमती पत्थर। तालाब, सरोवर। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। लाल किला किसने बनवाया था? लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। लाल किला बनाने में कितने साल लग गए? लाल किला बनाने में 10 साल लग गए। लाल किला किस नदी के किनारे बना हुआ है? लाल किला यमुना नदी के किनारे बना हुआ है।
नादिर शाह अपने साथ क्या ले गया था? नादिर शाह अपने साथ कोहिनूर हीरा ले गया था। धन्यवाद।